प्रलय का क्रम, ब्राह्मण को दान देने की महिमा तथा ब्राह्मण के कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, अब मैं यह बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की सात ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूल में मिल जाते हैं। उस समय यह भूमि तृण और वृक्षों से रहित होकर कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है, इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है। उसमें उत्ताल तरंगे उठने लगती हैं और वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय संपूर्ण आकाश आग की लपटों से प्रज्वलित सा दिखाई देता है। फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है। तब हवा का वेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हरहराती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को ग्रस लेता है। तब हवा शांत होकर आकाश में लीन हो जाती है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को जो मन से ही प्रकट हुआ था अपने में लीन कर लेता है। इस तरह पांच भौतिक सृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्रह्म प्रलय कहलाता है। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान का सुयोग्य अधिकारी जानकर परमात्मा को प्राप्त हुए योगियों के द्वारा जानने योग्य यह प्रलय का यथावत वृत्तांत मैंने सुनाया है। इसी तरह एक एक हजार युगों के ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्रि के आरंभ में प्रलय का क्रम चालू रहता है। शुकदेव, अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेकर समावर्तन तक विधिवत संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात वह वेदों के पारगामी आचार्यों की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर शुश्रूषा और दक्षिणा के द्वारा गुरु ऋण से मुक्त होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होना चाहिए। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है। इसमें रहकर अंतःकरण के राग आदि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विदित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे। तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वहीं निवास करके वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्या अध्ययन, व्रत, यज्ञ अथवा दान करने से गृहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है।
उसकी कीर्ति जब तक इस संसार में उसके सुयश का विस्तार करती रहती है, तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन छह कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए। देवता, ऋषि, पितृ, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले ब्राह्मणों को द्रव्य के अतिरिक्त बनी हुई रसोई में से अन्न भी देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वर्ग लोक में गए थे। अत्रि के पुत्र राजा इंद्रदमन ने योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। देवावृद्ध ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्ग लोक प्राप्त किया। अत्रि वंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अरब गायें देकर देशवासियों सहित स्वर्ग में निवास किया। सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। इससे उन दोनों को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। विदेहराज नीमि ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गये ने नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया। करणधम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगीरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को महानिधि शंख देकर उत्तम लोकों को प्राप्त किया था। राजऋषि सहस्त्रजित ने ब्राह्मणों के लिए अपने प्राण दे दिए। राजा शद्युमन ने महर्षि मुद्गल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ सुवर्णमय घर दान किया और शाल्व नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया। इन सब राजाओं को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई थी। राजऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को शांता नाम की अपनी कन्या ब्याह दी और राजा मदिराशव ने भी हिरण्यहस्त ऋषि को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी। इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाएं तथा उत्तम लोक प्राप्त हुए। राजा प्रसेनजीत बछड़ों सहित 100,000 गायें दान करके उत्तम लोकों में गए। ये तथा और भी बहुत से जितेंद्रिय महापुरुष दान और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में कायम रहेगी। ब्राह्मण को ऋक, साम, यजु इन 3 वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन में प्रवीण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्व गुण का अवलंबन करने वाले हैं, वे ही महाभाग उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करे। किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलावे। महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे। सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। अपने धर्म के अनुकूल नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे। कर्तव्य परायण सत्व गुणी महात्माओं का संग करे और गृहस्थाश्रम में रहते हुए अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में लगा रहे। ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वह सदा धैर्य धारण करे, प्रमाद से बचे, मन और इंद्रियों को काबू में रखे, धर्मात्मा बने,
आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष मद तथा क्रोध से रहित हो जाए, ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम से वह अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे। इस प्रकार पाप रहित होकर अपनी मेधा शक्ति को जागृत करे तथा मिताहारी और जितेंद्रिय हो काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करे, कड़वी बात न बोले और हिंसा न करे। यह ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण और दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं। किंतु कामनाओं में आसक्त चंचल चित्त, मंद बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। वे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। अतः बुद्धिमान को भव सागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इन तीन कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखकर उनमें प्रवृत्त ना हो और अध्ययन, यजन तथा दान इन तीन कर्मों का अवश्य पालन करे। वह जैसे भी हो अपने उद्धार का प्रयत्न करे, ज्ञान के द्वारा इस भव सागर को अवश्य पार कर जाए। जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इस लोक या परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करके उपयुक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे, सत्पुरुषों के धर्म और शिष्टाचार का पालन करे, ऐसी आजीविका पसंद करे जिससे दूसरे लोगों को कष्ट ना हो तथा जिसकी लोक में निंदा न होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है, वह संपूर्ण दुखों के पार हो जाता है। धैर्य, अप्रमाद, इंद्रिय संयम और आत्मज्ञान को प्राप्त करना तथा हर्ष, मद और क्रोध को त्यागना, यह ब्राह्मण का प्राचीन धर्म है। ज्ञानवान होकर कर्मों का अनुष्ठान करने से उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है।